खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हम चुनाव यात्रा के क्रम में पहुंच चुके हैं राजधानी एक्सप्रेस में और यहाँ की जनता से, यहाँ की सवारी से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में सरकार 2019 में किसकी और पिछले 5 सालों में क्या व्यवस्थाएं रेलवे में सुधार हुई है, या लगता है कि जो सरकार पहले थी वही अभी रहे तो अच्छा है, या लगता है कि रेलवे की व्यवस्था और सुधार की जा सकती है। इन्हीं सब बातों के बीच में हम बातें करेंगे। इधर चलते हैं अंदर, राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बार सरकार किसकी। तो चलिए इधर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2019 की सरकार किसकी होनी चाहिए। 2019 की सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए, बिल्कुल। आपको लगता है ऐसा कि पिछले 5 सालों में जो समय गुजरी है उसमें रेलवे में अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है? कोई सुधार नहीं हुआ, जैसे पहले यथावत चल रहा था वैसे ही चल रहा है। कोई सुधार ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा। तो आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी को आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। राहुल गांधी आएंगे तो बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। जीएसटी से परेशान? हाँ, जीएसटी से परेशानी बढ़ी है। नोटबंदी से भी? बिल्कुल, नोटबंदी से तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गया व्यापारी। आपको लगता है कि कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी का जिसको सराहा जा सकता है, जिन्होंने अच्छा काम किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया। काम नहीं है कि नरेंद्र मोदी को इस बार वोट दिया जाए। जिस देश में एक सुई नहीं बनता था कांग्रेस, जिस देश में एक सुई नहीं बनता था उस देश में कांग्रेस 70 साल में बहुत कुछ किया, लेकिन ये 5 साल में क्या किए? ये किसी को कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी व्यवस्था की आपको लगता है राहुल गांधी को ही? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को ही आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हम इधर और यात्री हैं जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी की? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सफल प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, कुछ नहीं किए वो, सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ नहीं किए। उनका झूठ मूठ का है कि बिहार में बोल इंडिया में बोलते कि मैंने ये किया है किया, बाद में पूछा जाता है इंडिया में आपने क्या किया तो बोलते कि मैंने विदेशों के रिलेशन बहुत अच्छे किए। तो युवाओं के लिए कुछ? युवा तो इतना खफा है उनसे कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को कभी आ ही नहीं सकते जीवन में, और कभी वैसे लोग वैसे प्रधानमंत्री को बनाना भी नहीं है देश में कि जो युवा का कुछ ख्याल विकास नहीं कर सके। मीडिया को मैनेज करके, सिर्फ मीडिया को, पेड मीडिया को सिर्फ मैनेज करके नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार बनी है। युवाओं के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। राहुल गांधी इस बार आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। लगता है कि राहुल गांधी आएंगे उनसे बेहतर काम करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने IIT दिया, NIT दिया, आपके हमारे बिहार में 3-3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, IIT आई, NIT आई, इसरो आया, ये सब किसने दिया? ये सब कांग्रेस का देन है। लेकिन मोदी जी ने 4 साल में क्या किया? मतलब कांग्रेस को इस बार आना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे कि इस बार मतलब किसकी सरकार? 70 साल में अगर कोई मर्द प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ है। 70 साल में कोई प्रधानमंत्री अगर बना है मर्द, अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी मर्द। कौन सी काम ऐसी लगी कि जिससे आप आज हम किसी भी देश के साथ में आंख मिला के बात कर सकते हैं? मतलब इंटरनेशनल रिश्ता, विदेश भी है और देश में भी, देश में 5 साल में भी जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है। आज आप आम का पेड़ लगाते हैं तो 3 साल के बाद मजर आता है, 5 साल में आप कहिएगा कि तुरंत हवाई जहाज पे चलने लगे। मतलब इनको इस बार भी मौका मिलना चाहिए, 100% मिलेगी। आपको ऐसे नहीं लगता है कि राहुल गांधी आएंगे? कुछ नहीं, बच्चा है वो, सब बच्चा है, वो सब क्या करेगा, वो विकास नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, आप ये देख रहे थे राजधानी की जनता है। इधर हम फिर बाकी लोगों से मिलवाते हैं, युवा साथी हमारे कुछ लोग हैं इधर जी। आपके हिसाब से किसकी सरकार इस बार होनी चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को इस बार फिर से मिलना चाहिए एक चांस, क्योंकि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हुई है आपने जो देखा होगा अभी 5-7 सालों में वो हाई हुई है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। पहले क्या था ना, जो गरीब लोग थे वो गरीब ही रह गए थे और जो अमीर थे वही सक्सीड कर रहे थे लाइफ में। मतलब गरीबी जो है वो कम हुई है, बिल्कुल गरीब का जो हुआ है थोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुआ है, यानी कि अब लोग परचेज कर सकते हैं। पहले हमें घर खरीदने में, सामान खरीदने, लेकिन में, अभी भी तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं बहुत सारे। वो हर एक चीज के कंसीक्वेंसेस होते हैं, अपने होते हैं। हम चाहेंगे 5 साल में सब कुछ चेंज हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब एक बार थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, और बिल्कुल टाइम मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा काम आपको नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा लगा? देखो, वो करना तो बहुत अच्छा का है, चाहे वो आधार कार्ड लेकर आके डिमोनेटाइजेशन किया, GST किया, सब
कुछ किया, उन्होंने शायद सोचा कि मैं सिर्फ जो देख रही हूँ अभी इकोनॉमी को देख रही हूँ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से कह रही हूँ कि लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुई है। पहले लोग कुछ भी खरीदने के लिए सोचते थे, लेकिन अब वो खरीद सकते हैं, अब वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं सामानों में, जो टैक्स वगैरह में जो रिबेट मिला है हमें, मतलब जीएसटी से फायदा हुआ है, काफी कुछ फायदा हुआ है। पहले लोग स्मार्टफोन रखने में भी कतराते थे, बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग ही स्मार्टफोन रख सकते थे, लेकिन आज हम मिडिल क्लास भी स्मार्टफोन रख सकते हैं। तो मतलब अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो उनसे बेहतर काम करेंगे, युवा हैं उनसे? एक्चुअली आप जब कुछ बोलते हो ना, एक ना नेता को ना एक्सप्रेसिव होना चाहिए, जो कुछ बोल रहे हैं आप उसको सुनो पहले, है ना। तो मुझे लगता है जब आप मोदी जी बोलते हैं तो हमें सुनने का मन करता है, वो जो भी बोलते हैं बहुत इफेक्टिव बोलते हैं, भले वो पढ़े लिखे नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, राहुल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ना मैं सच कह रही हूँ, लिटरली कह रही हूँ, जब वो बोलते हैं मुझे सुनने का मन नहीं करता। मतलब ओसामा जी, लादेन जी, सब टाइप से बोल लेते हैं, वो खराब लगता है क्या आपको? आतंकवादी में भारत नहीं, के जो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, उनका कंपेयर नहीं कर रही मैं। जैसे आप ओबामा को सुनोगे ना, आपको मन करता है सुनने का, लेकिन जो भी अभी आप सुनोगे इनको, ट्रंप को सुनोगे, उनको मन नहीं करता सुनने का। वैसे ही हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो हमें मन करता है सुनने का, तो हम उस समय गुड लिसनर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब राहुल जी ऐसा होता है ना, तो मन नहीं करता सुनने। लेकिन इसी बात से तो उनको बोला जाता है कि वो जुमलेबाज हैं, आप सुनती होंगी, हम लोग नहीं बोलते हैं, जनता ही बोलता है कि वो जुमलेबाज है। इसी से जैसे आप बोली ना कि अच्छा लगता है बात, तो बात के तो धनी है, लोगों का करने में भी धनी है। नहीं, आप लोग से वादा हुआ था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, पैसा देंगे, काला धन लाएंगे, बहुत सारे चीज नहीं कर पाए जो वादा करके आए थे। 5 साल कोई जादू नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो कमिट है, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 1 अरब लोग हैं यहाँ। लेकिन आपको लगता है कि राम मंदिर मतलब शुरुआती पहला मुद्दा नहीं, कंट्रोवर्सी हम नहीं बोल रहे, ये पहला कमिटमेंट था जिससे आप जानती है कि भाजपा हिंदू का ज्यादा वोटर, आप बताइए नेशन बन जाएगी। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये वो कहे थे। अच्छा, वो कहते हैं कि हम मंदिर बनाए, हमें हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि मंदिर बनाने से नेशन बन जाती है, तो आप सोचो जो हमारे भारत देश के लोग हैं वो सोचे कि क्या मंदिर बनाने से नेशन बन जाएगी, क्या मस्जिद बनाने से नेशन बन जाएगी। वो अपने पॉलिटिक्स के लिए, वोटिंग के लिए बोल देते हैं, उसको खारिज करिए आप। तो लगता है आपको एक बार एक चांस और मौका देना चाहिए, एक और चांस मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी जनता इधर है हमारे, इधर हम मिलवाते हैं। आपके हिसाब से सर, इस बार 2019 की सरकार किसकी होनी चाहिए? मोदी की होनी चाहिए, ओनली मोदी। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं जी। ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो उनसे बेहतर काम करेंगे? नहीं, कर ही नहीं सकते, एबिलिटी नहीं है उनके पास। मतलब राहुल को एकदम मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अगर किसी और को मौका दे, बहुत नेता है उनके पास, राहुल गांधी के पास तब सोच सकते हैं। अगर नहीं, मैं तो बीजेपी के अलावा किसी के बारे में सोचता ही और किसी के बारे में। अगर एक भी वोट भारत में बचेगा बीजेपी का, तो मेरा होगा। अच्छा, कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगा उनका? देखिए, नेशनल जो सिक्योरिटी है, उस मुद्दे पे जो उनका काम है वो बहुत ही अच्छा है। देश के लिए सोचते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि देश की आवश्यकता है, इन्हीं आवश्यकताओं के चलते। मतलब एक चांस और देना चाहिए? एक नहीं, चार चांस और देना। देखिए, चार चांस उनको और मिलना चाहिए। इधर कुछ लोग हैं, हम आते हैं इधर। सर, इस बार 2019 की सरकार किसकी आपके हिसाब से? बता पाना मुश्किल है सर। मतलब आपको लगता है कि कोई काम अच्छा किया है, आपको लगता है मोदी पिछले 5 सालों में अच्छा काम किए हैं? बिल्कुल काम किए हैं। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए या एजुकेशन फॉर ऑल हो जाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किए ही है। मतलब इतना काम किए हैं कि लगता है कि 5 साल आगे भी मौका उनको मिलना चाहिए? बिल्कुल। मतलब इस बार मोदी सरकार? बिल्कुल। राहुल को? अब राहुल को बता पाना मुश्किल है एक्चुअली। अभी जो पिछले 5 साल में, या अभी आप देखो जिस हिसाब से मोदी, लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी ने केवल इतना ही उन लोगों का एजेंडा है कि मोदी को हटाना है, तो इसमें फिर आप उस हिसाब से कैसे आप राहुल गांधी बोले कि हम आएंगे सरकार में तो 72,000 रुपया देंगे, तो क्या करेंगे 72,000 देंगे? हमारे हमारे में टैक्स में सही तो देंगे ना, माने जनता का ही पैसा। बिल्कुल, पार्टी फंड में से तो देंगे नहीं। ऐसे तो सब नेता पार्टी मतलब सरकार का पैसा लौटाता है, इस तरह से अनाउंस करके तो नहीं लौटाता ना, अनाउंस करके नहीं। मतलब इस बार मोदी सरकार? धन्यवाद। चलिए, इधर हम चलते हैं। जी सर, आप कुछ करना चाहेंगे? किसकी सरकार इस बार? कांग्रेस की। आपको लगता है कि इस बार राहुल गांधी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल जी, अच्छा करेंगे। नरेंद्र मोदी जो पिछले पाँच साल बीता है, उसमें अच्छा काम नहीं किए हैं? किया है, लेकिन झूठ ज़्यादा बोला है ना। झूठ ज़्यादा बोला है।
कौन सा एक झूठ बता दीजिए? सारे झूठ ही है, 15 लाख का भी झूठ है। 15 लाख झूठ है, बिल्कुल सही, सबको पता है 15 लाख का झूठ है। बोले थे, वादा किए थे कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो 15 काला धन वापस ले आएंगे, कहाँ आया? उसके बाद उसके बावजूद भी दो आदमी यहाँ से करोड़ों, मतलब आप इनकी बात कर ले, माल्या की बात कर ले, नीरव मोदी की बात, सब लेके भाग गए, सब लेके भाग गए, सब लेके भाग गए। आपको लगता है कि इस बार राहुल आएंगे तो उनसे बेहतर काम करेंगे? बिल्कुल बेहतर करेंगे। कोई ऐसा काम आपको अच्छा लगा हो नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी के काम है, अच्छे भी हैं, और जो वादे करें नहीं, कोई काम ऐसा अच्छा, वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन एक काम ऐसा जो अच्छा लगा हो आपको? मुझे तो कोई अच्छा लगा नहीं, कोई काम नहीं। मैंने इस बार राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए भैया। आप ये बताइए कि 2019 में सरकार किसका देखना चाहते हैं? सरकार देखिए, सरकार हमें उसका चाहिए जो हमें रोटी कपड़ा मकान और जॉब सिक्योरिटी यही सब दे। ये 5 साल में मिला वैसा कोई ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, मतलब मोदी में भी नहीं दिखा ऐसा कुछ? ना ना कुछ नहीं दिखा जो 5 सालों में वो पूरा कर सके। कुछ कुछ अगर दिखा तो बताइए आप। नहीं हम तो आप जनता से जानना चाहते हैं कि नहीं, आपके पास भी नहीं तो हम होता ना? हमारे पास तो डाटा इतना ही है कि राम मंदिर बोले थे बनवाएंगे, इस पे वोट लिए थे जनता से, हिंदुओं से इस पे वोट लिए थे लेकिन नहीं बनवाए, बोले थे काला धन वापस लाएंगे, जो नहीं किया वही हम आपसे पूछेंगे। हाँ तो जी वही चीज बोल रहे हैं इन्होंने, इन्होंने जो भी वादा किया था उसमें तो पूरा का पूरा जीरो है, बड़ा वाला है ना, तो फिर कैसे ये भरोसा तो आपको लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो इस बार अच्छा करेंगे? अब राहुल गांधी को भी देख लिया जाए, राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इनको तो मौका दे दिया गया। इन देखिए, मोदी जी की जो सरकार थी या है अभी, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था इनको, पूरा डिसीजन ये खुद ले सकते थे, है ना? राम मंदिर जो भी बनाना था इनको बना सकते थे, लेकिन ये सिर्फ उल्लू बनाते हैं, समझे हैं? ये सिर्फ जनता को, शरीफ भोली भाली जनता को उल्लू बनाते हैं, सिर्फ उल्लू बनाते हैं, आप समझ रहे हैं। इस बार यानी राहुल की सरकार आनी चाहिए, देखिए किसी की भी सरकार आए, हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, एक अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए, जो पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन चाहिए, जो हमारा अच्छा फ्यूचर दे सके। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर जी, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जी। आपको लगता है युवाओं के लिए अच्छा काम किए हैं? हाँ सर, देखो अभी मैं अगर हम दूर की देखें अगर हम तो दूर के हिसाब से उन्होंने काफी, अभी मतलब नजदीक के हम जनरली ढूंढते हैं कि नजदीक में हमारे लिए कुछ अच्छा हो, बट ये दूर के अगर सोचे अगर रास्ता बना रहे हैं। हाँ, अभी मतलब फ्यूचर हमारा अच्छा होने वाला है, और अभी हम देख ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा आज की डेट में जो इंडिया का जो लेवल उठा है पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हो पाया है। सिर्फ जो रिश्ते सुधरे हैं, हाँ रिश्ते सुधरे हैं, और मतलब जो एक इंडिया का जो रुतबा बना है पूरे वर्ल्ड में, मतलब वो आज नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। आपको लगता है युवाओं के लिए इस बार वो रोजगार वगैरह अच्छा? युवाओं के लिए भी रोजगार आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि अभी जितने भी मतलब पुराने योजनाएं थी, मतलब प्रधानमंत्री योजना इस तरह की थी, अभी मैं हाल ही में देख रहा था, जैसे बिहार की मैं बात करूं अगर, तो बिहार में जितने भी पेंडिंग पड़े हुए थे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, जितने भी आवासीय योजनाएं थी इस तरह की जो कि ठप पड़ गई थी, उनके लिए एक नया मतलब गठन किया जा रहा है उसके थ्रू, मतलब ये उसको फास्ट। लेकिन गांव में आप देखिएगा तो बहुत सारी जनता भी है जिसको अभी जो लैट्रिन बना है उसका पैसा नहीं मिला है। सर देखिए, पैसे तो कितने की चीज है, आप अगर 2,000-5,000 रुपए की वजह से, वो आपके लिए, गरीबों के लिए सर बात आपकी सही है, गरीबों के लिए, बट आज नहीं तो कल वो मिल जाना है, लेकिन अगर जो वादा कर देंगे हम 72,000 रुपए अकाउंट में डालेंगे, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? 72,000 रुपए पर हेड आप अगर डालें, अगर उतनी तो हमारी जितना भी इनकम टैक्स के थ्रू इकट्ठा होता है, 75,000 नहीं पॉसिबल है तो क्या 15 लाख डालना पॉसिबल था? सर 15 लाख भी डालना पॉसिबल नहीं था पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। वो जो उनका एक वादा था स्टार्टिंग में जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था यहाँ पे आने से पहले, तो वो वादा एक झूठा लगा हमें कि मतलब वो वादा उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी को ही मौका, सर एक मौका जरूर देना चाहिए, एक बार और देखना चाहिए, एक हजार और देना चाहिए, लगता है कि इस बार हम नहीं ठगे जाएंगे, सारा काम जितना ठाने हुए हैं सर अभी तक ठगे नहीं गए हैं, जी अभी तक ठगे नहीं गए, और एक भी इनके ऊपर दाग नहीं लगा है सर, एक भी भ्रष्टाचार का, एक व्यापम घोटाला सर, ये सॉरी राफेल घोटाला, सर राफेल घोटाला एक मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ ताकि इनकी सरकार को मतलब गिराया जा सके, एक जस्ट केस तो दाखिल सर, केस दाखिल है, बट देखेंगे कि इन फ्यूचर हमारे लिए वो एक अच्छा डील होगा और ये साफ सुथरा निकलेंगे, मोदी जी साफ सुथरा निकलेंगे जी, मतलब उनका गलती कोई नहीं होगा इस बार, उनको फिर एक बार मौका, जी बिल्कुल एक बार मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हम आते हैं, इधर जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि इस बार 2019 में सरकार किसकी होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी की होनी चाहिए सरकार। राहुल गांधी की नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इतने 10 साल में जो नहीं हुआ वो सब नरेंद्र मोदी ही किए,
शौचालय बनवाए, कन्या उत्थान योजना लाए, बहुत सारा लड़कियों के लिए दिए कि बैंक में FD जमा करवाए, लड़कियों के लिए जन्म से लेके पढ़ाई तक का व्यवस्था करवाए, तो हमको युवा को रोजगार दिलवाए, जितना बदलाव आया मतलब पाँच साल में जितना बदलाव आया उतना सब कुछ तो मोदी के कारण ही हुआ, मोदी के कारण हुआ। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं उनके वो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए इस बार फिर मोदी सरकार 5 साल और देखना चाह रहे फिर से मोदी सरकार और बेटर हो सकता है, हमेशा के लिए हम लोग चाह रहे हैं मोदी सरकार फिर से चाह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।